हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम बनाएंगे फालूदा सिवें की रेसिपी और इसके साथ बहुत ही अमेजिंग तरीके के फालूदा बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पर जो मिलता है ना रॉयल फालूदा की रेसिपी बिल्कुल अमेजिंग से टेस्ट वाली हर चीज़ होम मेड होने वाली है और साथ ही हम बनाएंगे मैंगो फालूदा की रेसिपी जो हम सबका फेवरेट होता है तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं हाँ जी तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे रॉयल फालूदा के लिए रोज़ मिल्क तो मैंने एक कप दूध ले लिया है और यहाँ पर ये यह घर के नॉर्मल वाले दूध है आपको कोई स्पेसिफिक दूध लेने की ज़रूरत नहीं है फुल क्रीम मिल्क एंड ऑल वो सब चीज़ें नहीं लेने की ज़रूरत है घर वाले दूध ले लीजिए उसमें हमने डालना है शक्कर तो यहाँ पर मैंने टू टी के करीब में शक्कर डाला है आपको जितना मीठा चाहिए उतना डाल देंगे दूध को उबाल में लाएँगे और यहाँ देखिए दूध में उबाल आ चुका है और यहाँ पर ये मेरा होममेड रोज सिरप है तो आ, इसकी रेसिपी नहीं देखी है आपने तो ज़रूर से देखेंगे लिंक आई बटन में डाल दूंगी तो यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे इसे जस्ट मैंने देखिए वन टेबल स्पून के करीब में यहाँ पर डाला है थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे और इसे थोड़ा सा पकाएँगे हम जब तक कि यह हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए तो इसे जस्ट एक से डेढ़ मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस तरह से पका लेंगे और इसे बस मैंने एक से डेढ़ मिनट के लिए पकाया था देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है ये ठंडे होने के बाद में और गाढ़ा हो जाएगा तो बस इसे रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं और यहाँ देखिए ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है इसे किसी भी बर्तन में डाल करके और इसे आपने फ्रिज में रखना है अच्छे से जिल्ड चाहिए हमें ये जब हम फालूदा बनाएंगे तो चलिए इसे हम फ्रिज में रख देते हैं अभी और नेक्स्ट यहाँ पर हम बनाएंगे मैंगो फालूदा के लिए मैंगो मिल्क तो यहाँ पर देखिए मैंने हाफ कप दूध लिया है बाद में थोड़ा दूध और हम ऐड करेंगे अभी सिर्फ मैंने हाफ कप लिया है उसमें मैंने वन टेबल स्पून शक्कर ऐड किया है आप चाहे तो इसकी जगह पर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं इसे उबाल में हम लाएंगे और जब तक कि हमारा दूध उबलता है हमने यहाँ पर एक तैयारी कर लेनी है तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है वन टी कस्टर्ड पाउडर तो इसे हमने थोड़ा सा दूध डालना है जस्ट देखिए मैं टू टेबल स्पून के करीब में मैंने दूध डाला है इस मिक्स करके हम अभी साइड पे रख लेंगे। और देखिए दूध में उबाल आ चुका है तो बस इसी स्टेज पर हमने यहां पर ऐड कर देना है मैंगो का पल्प यहां पर मिक्सी की जार में डालकर मैंने इसका पल्प बना लिया था ग्राइंड कर लिया था और ये मैंने वन फोर्थ कप के करीब में लिया है इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कि कोई भी लम्स ना बचे अब यहाँ पर देखिए मैंगो पल्प को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने हाफ कप दूध और यूज़ किया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था तो मैंने आधा कप पहले यूज़ किया आधा कप अभी यूज़ कर रही हूँ तो टोटल तो मैंने एक कप दूध यहाँ पर यूज़ किया है इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर देखिए इसमें छोटे छोटे से ऐसे बबल्स आने लगे उबाल आने लगे तो मैंने कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क भी यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर बस हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है आप देखेंगे ये इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर तीन से चार ड्रॉप येलो फूड कलर के ऐड किए हैं आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया बस अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है कुछ सेकेंड्स के लिए पका लिया है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बस यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने देते हैं क्योंकि ये ठंडे होने के बाद में और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो बस इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है किसी भी बर्तन में रख करके इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए जब हम फालूदा बनाएंगे ना तो ये हमें बिल्कुल चिड़ चाहिए होगा तो चलिए इसे हम फ्रीज में रख देते हैं और यहाँ पर एक तैयारी और कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बोल में लिया है तुलसी के बीज जिसे सब्जा भी बोलते हैं वन टेबल स्पोर इसे हमने सोख होने के लिए अभी साइड पे रखना है जब ये अच्छे से सोख हो जाएंगे फिर हम इसे फालूदा में यूज करेंगे तो चलिए इसे अभी हम साइड पे रखते हैं तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पर देखिए ये चकली मेकर मशीन है जिससे हम फालूदा बनाने वाले हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देखिए इसमें अलग अलग अटैचमेंट्स आते हैं तो ये जो हमारी जो सेव बनाने वाले अटैचमेंट है ना एक देखिए जिसमें छोटी छोटी छेद आती है और एक में थोड़ी सी बड़ी छेद आती है तो आपको जैसी सिवैयाँ पसंद है आप वैसे बना सकते हैं बड़ी छेद वाली से या फिर छोटी छेद वाली से मैंने थोड़ी सी बड़ी छेद वाली यहाँ पर अटैचमेंट लगाई है इससे सिवैयाँ जो आती है ना थोड़ी सी मोटी आती है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फालूदा के साथ वो तो हो गया उसके बाद एक और तैयारी करनी है यहाँ पर मैंने एक बोल में बिल्कुल चिल्ड वाला वाटर लिया है बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए और यहाँ पर ढेर सारी बर्फ आप ऐड करेंगे बेसिकली हमें ने जो पानी चाहिए होता है ना वो बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए होता है ये क्यों चाहिए होता है या मैं आपको आगे बताऊँगी तो ये दोनों चीज़ें आप रेडी करके रख लीजिए उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हम फालूदा सेवई की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है कॉर्नफ्लावर हाफ कप आप चाहे तो आरा रोट भी ले सकते हैं अब हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है कि इसमें कोई भी लंप ना बचे तो इसे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एक कप पानी और यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने टोटल दो कप पानी के यूज़ किए हैं हाफ़ कप कॉर्नफ्लॉर के लिए दो कप पानी इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड करना है शुगर यहाँ पर आप अपने मुताबिक शुगर ऐड करेंगे यहाँ पर मैं थ्री टेबल स्पून शुगर यूज़ कर रही हूँ इतना इनफ रहेगा ताकि फालूदे में थोड़ी सी हल्की सी मिठास वाली जो एक होता है ना टेस्ट आ जाए तो इसे मैंने गैस के ऊपर अब रख लिया है अच्छे से मिक्स करने के बाद में और इसे हमने इस तरह से कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें पकाना है और इसे बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाना है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है अदरवाइज इसमें लम्ब आ जाएंगे और यहाँ देखिए ये यह जैसे जैसे पकता जा रहा है कैसा गाढ़ा होता जा रहा है तो बस यहाँ पर बिल्कुल इसे स्टर करते रहना है और पकाते रहना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई थोड़ा सा ना होने लगे थोड़ा सा चिपकने ना लगे तो उस हद तक हमने इसे पकाते रहना है और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा सेंटर में जमा होने लगेगा और नीचे चिपकने सा भी लगेगा तो यहाँ पर ये डन हो जाता है और बस यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया और चलिए सेवैयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अब हम इसमें चकली मेकर मशीन जो हमारा है, है उसमें हमने ये वाला जो हमने मिक्सचर बनाया है फ़िल करना है और ये गर्म गर्म ही करेंगे और बहुत ही सावधानी से करेंगे आराम से करेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है तो हाथ जलने का ख़तरा होता है तो आराम से इसे अच्छे से फिल कीजिए और पूरा फिल नहीं करना है जस्ट मैंने यहाँ पर देखिए हाफ फिल किया है हाफ को आपने खाली रखना है क्योंकि अभी इसमें स्टीम बनेगा ना तो इसलिए हाफ खाली रखें और इसे अच्छे से बंद करके चलिए इसके सेवैया बनाते हैं और जी बस यहाँ पर देखिए ये जो मैंने ठंडा पानी जो बोल तैयार किया था ना इसमें हमने निकालनी है सिवैयाँ इस तरह से बस मशीन को गोल गोल घुमाते जाइए जैसे चकली हम बनाते हैं ना बस इसी तरह से हमने ये सिवैयाँ निकालनी है और इसे ठंडे ठंडे पानी में हमने डालते जाना है तो ये ठंडे पानी में डालने से क्या होगा ना इसका शेप जो होता है वो बिल्कुल फर्म रहेगा और ये एक दूसरे में चिपकेंगे भी नहीं तो इसी हमने बिल्कुल चिल्ड वाटर चाहिए होता है तो यहाँ पर देखिए फिर से हम वापस से इसे रिफ़िल करेंगे जो भी हमारा मिक्सचर बचा हुआ था और इसकी सवैया बना लेंगे और ये इतनी अमेज़िंग सी प्रोसेस है आपको बहुत मज़ा आएगा ये बनाने में आप एक बार बनाइए बहुत ही ईजी टू मेक है कि बाहर से आपको जो ये अनहाइजेनिक सा होता है ना वो आपको खाना नहीं पड़ेगा आप घर पर ही आराम से बना सकते हैं आराम से खा सकते हैं और इतनी सवैयों से तो आप आराम से पाँच से छः लोगों के लिए फालूदा बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी अमेजिंग सी हमारी सेवैयाँ ये रेडी हुई है कितना अच्छा लग रहा है ना बिल्कुल नूडल्स नूडल्स वाला लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बनी है आप भी बनाइएगा आपके भी बहुत ही अच्छे बनेंगे तो चलिए अभी हम इसे साइड पर रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इस सवैयों को अच्छे से ठंडे पानी में डिप होने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पर देखिए कितनी अमेजिंग सी हमारी ये सिवैयाँ बनकर रेडी हुई हैं फालूदा की कितने अमेजिंग से शेप और साइज़ भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट लंबे लंबे से नूडल स्टाइल के हुए हैं और यहाँ पर मैंने जलीस तैयार करके रखी हैं तो ये बिना किसी जलेटिन के बिना किसी अगर अगर के मैंने बनाई हुई है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर दी हुई है तो इसकी रेसिपी आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिएगा बहुत ही अमेजिंग सा डिज़र्ट बनाया है मैंने और और बहुत ही अच्छा लगता है तो इसी में मैंने जेली की रेसिपी बताई है तो ज़रूर से देखेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर से डाल दूँगी तो ये मैंने दो कलर के रेडी कर लिए और यहाँ पर अब हम बनाएंगे फालूदा असेंबल करेंगे तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाना है रॉयल फालूदा मैंने एक ग्लास में एक जग में देखिए थोड़ा सा मैंने रोज सिरप डाला है मेरा होममेड है तो ज़रूर से देखेंगे इसकी भी रेसिपी थोड़ा सा लाइनअप करेंगे रोज सिरप के साथ में ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे चॉपड नट्स ऐड कर देंगे यहाँ पर मैंने आलमंड पिस्ताची और कैश्यू लिया है उसके बाद यहाँ पर हमने डाल देना है ये सब्ज़ारी देखिए कैसे फूले फूले से हो गया ना तो बस दो चम्मच यहाँ पर हमने ऐड कर देना है उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जेली जो मेरी होममेड है ख़ुद की तो ये हम जस्ट कुछ क्यूब्स यहाँ पर ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा रॉयल फालूदा में हमेशा जब भी आप बाहर खाए होंगे कि कुछ ना कुछ एक फ्रूट का पार्ट रहता ही है तो यहाँ पर मैं चॉप किए हुए एप्पल डाल रही हूँ आप चाहे तो ग्रेप्स डाल सकते हैं मेलन्स डाल सकते हैं बनाना डाल सकते हैं आपकी मर्जी है बस कोई साइट्रस फ्रूट नहीं डालेंगे उसके बाद थोड़ी सी फालूदा सवैया ऐड कर देंगे और देखिए लंबे लंबे से हमारे अमेजिंग से फालूदा सवैयाँ कितनी प्यारे लग रहे हैं ना तो बस यहाँ पर अब हमने डालना है इसका मेन पार्ट तो यहाँ पर मेरे पास कुल्फ़ा बचे हुए थे इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर दी हुई है आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखेंगे बड़ी ही अमेजिंग वाली रेसिपी है अगर कुल्फा नहीं है आपके पास में तो आप कुल्फी ऐड कर लीजिए या फिर आप इधर आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं लेकिन आइसक्रीम से ज्यादा मजा रॉयल फालूदा में कुल्फी के साथ आता है तो यहां पर मैंने कुल्फा के कुछ क्यूब्स इस तरह से कट कर लिया है वो मैंने अच्छे से भरभर डाल दिया है उसके बाद थोड़ा सा रोज सिरप फिर से ये भी मेरा होम मेड है ज़रूर से देखेंगे इसकी रेसिपी और फिर ये जो मैंने रोज़ मिल्क बनाया था ना ये हमने अच्छे से इसको फिल कर देना है भर देना है बिल्कुल चिल्ड हो चुका है ये और ये ठंडे ठंडे वाले हमारे फालूदा बनकर यहाँ पर रेडी हो जाती है उसके बाद थोड़े से और कुल्फ़े की कुछ पीसेज़ यहाँ पर हम डाल देंगे क्यूब्स कट करके थोड़ा सा चॉप्ड नट्स ऐड कर देंगे जैसे भी आपको गार्निश करना है आप कर लीजिए थोड़े से मैंने यहाँ पर जले डाल दिए हैं और बस ये हमारा देखिए रॉयल फालूदा बनकर रेडी है वो भी बाहर से कहीं ज़्यादा अच्छा तो बनाइएगा ज़रूर से बहुत ही अमेजिंग से बनते हैं उसके बाद यहाँ पर हमने बनाना है मैंगो वाली फालूदा की रेसिपी तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला है सब्ज़ा थोड़ा सा उसके बाद थोड़े से मैंगो के पीसेज़ मैंने कट करके डाले हैं थोड़े से मैंने चॉप्ड नट्स ऐड कर दिए हैं और मैंने यहाँ पर पिंक वाली जेली ऐड करी है जो मैंने डाला है फिर थोड़ा सा मैंने मैंगो के क्यूब्स ऐड किए हैं फिर फालूदा की सवैयाँ ऐड कर दी है और उसके बाद थोड़ा सा रोज़ सिरप ऐड करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोज़ सिरप जाता ही जाता है है ना तो ये मैंने डाल दिया उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा सब्ज़ा ऐड कर देंगे उसके बाद थोड़े से जेलीज़ ऐड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़े से मैंगोज़ के क्यूब्स ऐड किए हैं उसके बाद ये मैंगो मिल्क बिल्कुल ठंडी ठंडी चिल्ड वाली और ये हमारे अमेजिंग जलुदा रेडी हो जाता है थोड़े से मैंगोज़ के क्यूब्स थोड़े से जेली थोड़े से चॉप्ड नट्स ऐड किए हैं मैंने उसके बाद बारी आती है आइसक्रीम की ठंडी ठंडी आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसकी भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर दी हुई है ज़रूर से देखेंगे आपने नहीं देखा है तो तो आप भी बोलेंगे कि क्या है सारी रेसिपीज़ का प्रमोशन एक ही चैनल पर कर दिया मैंने तो कोई नहीं कर दिया तो कर दिया आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सी रेसिपीज मैंने डाल दी है तो यहां पर देखिए ये मैंने मैंगो फालूदा की रेसिपी घर पर ही तैयार करके रेडी कर दी है वो भी बाजार से कहीं 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 गनी गुना अच्छा तो आपने क्या करना है आपने बस ट्राई करना है वो ट्राइंग है बहुत ही ईजी ईजी सी रेसिपी है बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको समझाया है जो आपका बहुत अच्छा बनेगा तो बनाइएगा फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो प्लीज़ 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 प्लीज, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अगर आप लोग कोई नए आप लोग देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अमेजिंग से अमेज़िंग वीडियो इसी तरह से लाती रहती है रेसिपीज़ की तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वाले वीडियो के साथ तब तक लिए बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग